clearly zoom na. Wala ka ba kumali? अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करते हैं चपली कबाब की, जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी ज़रूर आ जाता है। हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह ये बनते हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होती हैं जो इस को स्पेशल और ख़ास किस्म के चपली कबाब बनाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाक़ों में ये चपली कबाब जो है वो उसका कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। इस तरफ जो भी पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से सयाह आते हैं वो ज़रूर चपली कबाब खाने की फरमाइश करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं और पेशावर में चपली कबाब की एक बेहतरीन दुकानों में से ये एक दुकान भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है जी कीमा गाय का और इसमें इन्होंने शामिल किए हैं खुश्क धनिया, मोटी मिर्च, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा, अजवाइन और ये साथ जो आपको ये वाइट नज़र आ रहा है ये है मिक्स जिसको इसके बनाने में इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। ये शॉप है सरकी दरवाज़ा यानी सरकी गेट के अंदर है। इसकी हम आपको डिटेल भी बताएंगे। चपली कबाब में जो कीमा है वो उसमें शामिल किया जाता है, अंडे को बॉयल करके मैश किया जाता है वो भी शामिल किया जाता है और ये जो सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है ये नली इसको कहते हैं या मिक्स कहते हैं, जिसको फ्रीज़ कर दिया जाता है और फिर पीसीस में काट के रख लिया जाता है और इसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये तैयार चपली कबाब है जो कबाब खाने के शौकीन हैं वो खा रहे हैं और इशारा भी कर रहे हैं कि ये बहुत टेस्टी और यमी है और ये दोस्तों के साथ खाने के लिए आते हैं। आमतौर पर इनकी दुकान पे बहुत रश होती है क्योंकि इनका जायका कबाब का बेहतरीन होता है। मेरा नाम मलिक तलहा है और हम चपली कबाब खा रहे हैं। हम पेशावर के हैं, माशाल्लाह से ताज के बहुत अच्छा चपली कबाब है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये वाइट कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। थैंक यू। आमतौर पर जो चीज़ें तैयार की जाती हैं लकड़ियों से आग जलाकर वो ज़्यादा टेस्टी होती हैं निस्बतन सुई गैस या फान गैस की। तो ये भी इसी हिकमत अमली को अख्तियार किए हुए हैं और ये बना रहे हैं और इन दुकान पे काफ़ी ज़्यादा रश है, लोग इंतज़ार करते हैं, साथ लेके भी जाते हैं और यहाँ बैठ के भी खाते हैं। छोटी सी दुकान है लेकिन निस्बतन इनके कबाब बेहतर है। ये ऑयल में बनाते हैं, घी भी यूज़ करते हैं और दाल भी यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये अंडे जो है बॉयल किए हुए साथ रखे हुए हैं, ये कबाब कीमा वाला वो जो मिक्स किया हुआ उसमें अंडे डालते हैं और फिर उसमें मिक्स या नली डालकर फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये दुकान का एड्रेस है, अगर आप चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिए।